अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का टीजर रिलीज हो गया है। इस टीजर में 98 सेकंड पर एक फ्रेम में संजय दत्त दिखाई देते हैं साइड पोज में। इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। दरअसल फिल्म में संजय दत्त पृथ्वीराज चौहान के चाचा यानी कि काका कन्हे का रोल निभा रहे हैं। फिल्म में अगर काका कन्हे का रोल विस्तार से दिखाया गया है तो इनकी विस्तारता के बारे में असली कहानी पता चलेगी। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको काका कन्हे के बारे में बताने वाले हैं। काका कन्हे मशहूर है क्योंकि इन्होंने प्रण लिया था कि मेरे सामने यदि किसी ने भी मूछ पर ताव दिया तो फिर चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो मैं उसका सर काट दूंगा या स्वयं मर जाऊंगा। इस ही प्रण की वजह से इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। दरअसल हुआ यूं कि एक बार दरबार में महाभारत का प्रसंग चल रहा था और योद्धाओं के शौर्य का बखान हो रहा था, जो उसमें प्रताप सिंह ने अपनी मूछ पर ताव दिया। इन्हें पृथ्वीराज के काका और सोमेश्वर के भाई कन्हे चौहान की प्रतिज्ञा का पता नहीं था कि इनके सामने अगर कोई भी मूछ पर ताव देगा तो वे इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कन्हे के सामने जैसे ही प्रताप ने मूछ मरोड़ी वैसे ही कन्हे ने तलवार का इतना ताकतवर वार किया कि प्रताप सिंह का शरीर जनेऊ के आकार में तिरछा कंधे से कमर तक दो टुकड़ों में हो गया। यह देखकर प्रताप के बाकी 6 भाई भी कन्हे पर टूट पड़े और दरबार रणभूमि में बदल गया। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद पृथ्वीराज के पिता ने कन्हे को ये करने के लिए मना लिया कि वे सदैव अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर ही घूमेंगे, जिसके चलते फिल्म में उनका किरदार बखूबी दिखाया गया है। दोस्तों कैसा लगा आपको कन्हावीर के बारे में जानकर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।